शिवाय। राम राम। मैं पंडित इसकी मिश्र। किसी भी युवक युवती स्त्री पुरुष का संभोग वशीकरण करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए है। इस प्रयोग में आप जिसको भी अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं तो उसकी फोटो की आवश्यकता है और कुछ चावल के दाने। चावल के दाने और फोटो को आपको लाना है और मैं जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए उस पे फूंक मार देना है। अपने आप में बहुत ही सरलतम प्रयोग है, आप अजमा के देखिएगा। जब भी आप इस प्रकार के वशीकरण का प्रयोग करें, संभोग वशीकरण का प्रयोग करें तो ध्यान दें, यदि आवश्यकता न हो तो इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें। किसी के नैतिक दृष्टिकोण का हास करने के लिए कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। किसी को चीट नहीं करना है, ब्लैकमेल नहीं करना है। हानि या क्षति पहुंचाने के नियत से यदि आप प्रयोग करते हैं तो देर सवेर इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बिना श्रद्धा के विश्वास के किया गया कोई प्रयोग सफलतादायक नहीं होता है। और जब आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं या प्रयोग करने जा रही हैं तो अपनी एनर्जी को भलीभांति रीड कर लें या रीड करवा लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो किसी प्रयोग में सफलता नहीं मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो सफलता आसानी से नहीं मिलती है, बहुत समय के बाद तब कहीं जाके सफलता मिलती है यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई टोटका, कोई मंत्र, कोई वशीकरण का प्रयोग करने जा रहे हैं या प्रयोग करने जा रही हैं उसमें तुरंत ही सफलता मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रयोग विधि में बता रहा हूं इसको एकांत में करना है, ना कोई शोरगुल हो, ना कोई शोरगुल होने की संभावना हो, किसी का टोक ना लगे। सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तब जाके कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में ही कोई प्रयोग करिएगा। गुरु बना के ही प्रयोग किया जाता है तभी उसमें सफलता मिलती है, और गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अतः गुरु की तलाश करना है, उसके बाद कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक निवेदन अपनी बहनों से, माताओं से, भाइयों से करना चाह रहा हूँ कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखें। फोन कॉल का प्रयोग ना करिएगा। फोन कॉल ज्यादा आने के चलते रिसीव नहीं होते हैं, आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी। अतः फोन रिसीव हो तभी आप व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे। इससे अच्छा है कि आप व्हाट्सएप
कर दीजिएगा, मैं समय निकाल करके अवश्य उसको देख लूंगा। और बहुत भाइयों ने कमेंट किया था मेरे व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कि आप फोन रिसीव नहीं करते हैं। जब मैं बता रहा हूँ कि फोन रिसीव नहीं करूँगा, उसकी वजह क्या है, तो फोन रिसीव करने का सवाल नहीं है। हाँ, जब आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं कॉल कर लूंगा या आपको जो समय दूंगा उस समय आप कॉल करिएगा, लेकिन उससे पहले आप सब कुछ व्हाट्सएप पर कर दें। हम प्रयोग विधि पर चलेंगे। इस प्रयोग में एक छोटा सा मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। पहले मंत्र को ध्यान से देखें, सुने समझे। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र है अमुक बजरंगी, फिर नाम जय जय सरो व्या नमः स्वाहा। जरा पूरी विधि एक बार में बताना चाह रहा हूं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं या पसंद करती हैं तो उसे वशीभूत करना चाहते हैं तो प्रचंड प्रयोग है, टोटका एक तरह से है। सबसे पहले चावल के दानों से एक चक्र बना लें, फिर आप इसके बीच में उस स्त्री की फोटो लेकर बैठ जाएं या उस पुरुष की फोटो लेकर बैठ जाएं जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहती हैं। उसके बाद फोटो के ऊपर सिंदूर से कुमकुम का तिलक लगा दें, फिर आप उस फोटो को देखें और इस मंत्र को 202 बार आपको जपना है। अमुक बजरंगी जय जय सरो व्या नमः स्वाहा। अमुक के स्थान पर उसका नाम लेना है। मंत्र का जाप करने के बाद आप फोटो को 7 बार अपने माथे से लगाएं, उसके बाद फोटो पर फूंक मारें, वह व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। यह प्रयोग आपको सोमवार की रात्रि में करना है 11 बजे। ये अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, इसे वशीकरण बहुत ही आसान है। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है, पढ़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी कर। धन्यवाद। राम राम।